सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कोई जलसा हो या कोई पब्लिक गैदरिंग हो, हमेशा लोग उनको सुनना चाहते हैं और उनकी ओर एक आकर्षण है। यही वजह है कि जितने भी हास्य कलाकार हैं, इंक्लूडिंग शेखर सुमन, जॉनी लीवर, मैं या तमाम लोग, इनकी बातें कर करके सबकी अच्छी इनकम हो रही है। बिल्कुल। लेकिन फिर लालू जी, हम ये भी कहेंगे कि आप देश से ज्यादा हमारे काम आते हैं। थैंक यू। कोई कार्टूनिस्ट, कोई कवि या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन लालू जी को टारगेट जरूर करता है, क्योंकि इनकी बात आसानी तक से लोगों तक पहुंच जाती है और करेक्टर वही उठाते हैं जो बहुत मशहूर हो। एक बार ओबामा जी ने लालू जी से पूछा, ओबामा ने लालू से पूछा, मिस्टर लालू, कैन यू स्विम? तुम्हें स्विमिंग आता है? ना, हमें तो नहीं आता है। इट्स वेरी शेम, स्विमिंग तो कुत्ता भी कर लेता है। आपको आता है? यस ऑफ कोर्स। तो आप में कुत्ते में क्या फर्क है? सारे नेताओं में जो मेरी जानकारी है, सबसे ज्यादा मेहनती लालू जी हैं हर तरह से। और 120 करोड़ हैं हम लोग, तो ये भी तारीफ की बात है। हर एक को ये नसीब नहीं है। सो एक बार इनसे कहा गया कि देश के सब नेताओं में सबसे ज्यादा बच्चे आपके हैं, तो लालू जी बोले, इसका जिम्मेदार कांग्रेस है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग कांग्रेस लेके आई थी और उस जमाने में हम विपक्ष में थे, तो उनकी हर योजना का विरोध करना हमारा धर्म था। लालू जी पे कल मैंने सुनाया था कि लालू जी गब्बर होते तो शोले कैसे होती, उसके बदले आज ये सुना रहा हूं कि लालू जी सुपरमैन हो गए। सुपरमैन है ही। जब ऋतिक रोशन वाली फिल्म बहुत हिट हुई क्रिश, तो उनके कलेक्शन को देख के अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा, ओरिजिनली तो फिल्म हमारी है, सुपरमैन, वो हवा में उड़ता है, लोगों की मदद करता है, तो वो इसको बनाने के लिए, सुपरमैन को बनाने के लिए इंडिया आए और बहुत सारे एक्टर्स के उन्होंने ऑडिशन लिया कि कौन सबसे अच्छा रहेगा इस रोल के लिए, सुपरमैन के लिए। सब रिजेक्ट हो गए, लालू जी सिलेक्ट हो गए। अब लालू जी अगर सुपरमैन बने तो उसके सीन कैसे होंगे, उसके दृश्य कैसे होंगे? पहले सीन में भाभी जी बोले, राबड़ी जी, आदरणीय हमारी भाभी जी, राबड़ी जी बोली, ए जी, ये बिहाने बिहाने नीला कपड़वा पहन के काहे उड़ते हैं और ऊपर से लाल चड्डी पहन लिए, कितना चमकता है। अब जब से सुपरमैन बने हैं, डेरी दरवाजे से काहे नहीं निकलते हैं, छत फोड़ फोड़ के निकलते हैं, ऊपर उड़ते रहते हैं, नीचे से गाय और भैंस देखती हैं कि साहब कब उतरेंगे, चारा देंगे। ए पगली दब, ए फालतू बात करती है, अरे हम सुपरमैन बना हूं,
हमको ताकत मिला है, सबका मदद कर रहा हूँ, समाज सेवा हो रहा है, कितना पुण्य का काम है, लोग दुआ देता है, ये नहीं ना समझती हो? कल का बात है, तुम तो हमको घर का मुर्गी समझे हो, बाहर हमारा कितना वाहवाही होता है। कल का बात है, एक ट्रेन हजारीबाग के जंगल में फंसा रहा, लेट, 8 घंटा लेट, सब पैसेंजर परेशान, बच्चा लोग है, कोई का पानी खत्म हो गया, खाने का सामान खत्म हो गया, 8 घंटा लेट। हम ऊपर से उड़ते उड़ते देख लिए, नीचे उतरे और पूरी ट्रेन को एक हाथ में दबोच के अब पटना जंक्शन में धर दिए 2 घंटा बिफोर। ये नहीं सुने हैं? रख तो दिए, बाद में पब्लिक कितना गरिया है वो नहीं सुने हैं? ट्रेन जावत रहा कोलकाता, धर दिए पटना। अरे कभी घर से बाहर निकल के देखो, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, विदेश में हमारा सम्मान है, जो सच्चाई है नहीं ना मालूम है, और घर में हम सब नहीं बताते, दूसरे से पूछो। दूसरे दृश्य में राबड़ी जी फिर आई, ए जी वो जो सुपरमैन है अंग्रेज लोगों का, वो तो अकेले उड़ता है, कैसे शादी नहीं किया है? आप तो हमसे विवाह किए हैं, जोरे से उड़िए। हाँ ठीक है, गरम कपड़ा पहन लो, ऊपर बहुत हवा चलता है। भाभी जी गई, राबड़ी जी आई वापस, देखी गृहिणी तो गृहिणी होती है, वो आके बोली, ए जी एक तो आइडिया है, ऊपर छत पे रस्सी पे अपने 9 बच्चा के कपड़ा सूख रहे हैं, तो रस्सी के एक कोना आप पकड़ लिए, एक कोना हम पकड़ के उड़ेंगे तो कपड़वा भी सूख जाएगा। तो हमको खाली घर की मुर्गी समझती है, बाहर निकल कर देखो, आई एम किंग मेकर।